जब अंदर से आवाज आती है कि यार थोड़ा सो लेते हैं, तो मेरे पापा के पॉकेट में रखे चिल्लर की आवाज मुझे जगा देती है। ये जिंदगी क्या सिखाएगी मुझे? मेरी जिंदगी के पहले टीचर मेरे पापा थे और मैंने उन क्लासों को अच्छी तरह सीखा है। ये जिंदगी क्या डराएगी मुझे? मैंने डर को पापा से हारते हुए देखा है। टूट टूट कर जुड़ना मैंने पापा से सीखा है। जुड़ जुड़ के आगे बढ़ना मैंने पापा से सीखा है। यार पापा में एक बात तो होती है, जितने खड़ूस दिखते हैं ना उतने होते नहीं है। यार पापा में एक बात तो होती है, जितने मजबूत दिखते हैं ना उतने ही अकेले में आंसू जरूर बहाते हैं। रुक जाना मेरे लिए सबसे आसान है, पर रुक कैसे जाऊं? मेरे पापा के पसीने की बूंदें टपक रही हैं। सो जाना मेरे लिए आसान है, पर सो कैसे जाऊं? जाने कितनी रातें हो गई मेरे पापा को जगे हुए। बचपन में जब गिर जाता था तो पापा उंगली पकड़ कर उठाते थे और बोलते थे कि शाबाश बेटा, कुछ नहीं हुआ। आज मेरे वही पापा गिरने की कगार पे हैं, आज मेरे वही पापा ललकार पे हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा बेटा मेरे साथ है। जिसको बाप की उंगली पकड़ने का मौका मिलता है ना, उसको जिंदगी में कभी किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ मेरे खून में पहले से ही है जीत करना, हाँ मेरे खून में पहले से ही है जीतना। मेरी किस्मत तो मेरे पापा ने तभी लिख दी थी जब मुझे पेन पकड़ना सिखाया था। और ताजुब की बात है कि मैं अब भी किस्मत पे कमियां निकालता हूँ। जो बोलते हैं ना कि पापा तो ऐसे ही बोलते हैं, उनका काम है बोलना, वो लोग उनसे पूछे जिनके बाप नहीं होते। अरे ये मुश्किलें क्या रुकेंगी मुझे, जब मेरे पापा बुखार में भी काम पे जाने से नहीं रुके। अरे ये दुनिया मुझे क्या डराएगी, मेरे पापा ने इस डर को हमेशा हराया है कि कल के राशन का क्या होगा, कल की मजदूरी का क्या होगा, मेरी फीस का क्या होगा। मुझे तो पता ही नहीं था आज से पहले कि जिस तरह मैं अपने पापा को अपना हौसला समझता हूँ, उसी तरह मेरे पापा का हौसला मैं हूँ। क्योंकि वो हर दिन इस हिम्मत से काम पर जाते हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है ना, वो बड़ा हो रहा है ना, और मैं देख क्या कर रहा हूँ। यार जिस भगवान जैसे बाप ने मेरी किस्मत लिखी, उसी की किस्मत में कांटे लिख रहा हूँ मैं देख क्या कर रहा हूँ। जिस इंसान को देख कर मैं किसी भी पत्थर को, किसी भी गड्ढे को पार कर जाता था, कि ये सोच कर कि क्या डर है यार, उस पार मेरे पापा खड़े हैं, आज उसी व्यक्ति को मैं अपनी आजादी के बीच आने वाली दीवार मान रहा हूँ। अरे अगर कोई तुम्हारी सफलता से खुश होगा ना, वो या तो तुम होगे या तुम्हारे माँ बाप होंगे। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ जिनके पापा नहीं है। इसलिए चिंता मत करना दोस्त, तुम वो बनना जो तुम्हारे पापा अपनी जिंदगी में कभी नहीं बन पाए, लेकिन उस जगह पर तुम्हें हमेशा देखना चाहते थे। और अगर ये भी नहीं पता कि वो तुम्हें क्या बनता हुआ देखना चाहते थे, तो मैं बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके सफल होने वाला एक इंसान। जय हिंद, वंदे मातरम।